हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू QNS TV. आई एम आंसर मिस्किन एंड यू आर वॉचिंग मी इन दिस चंक विच इज नोन एज हैशटैग न्यूज इन्फॉर्मेटिव. इस हैशटैग न्यूज इन्फॉर्मेटिव के तहत जो हमारी आज की खबर है वो कुछ इस तरह है कि एक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा जो है उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. अब यहाँ जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, वो था रैगिंग. जी हाँ दोस्तों, रैगिंग जो थी वो वजह बनी कि ये बच्चा जो है 11th स्टैंडर्ड का वो हॉस्पिटल जा पहुंचा. आपको अगर इस मसले के बारे में सारी बात बताएं तो सारा मसला कुछ यूं है कि सैनिक स्कूल मानस बल में जो ये बच्चा था, ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला, वहां जो ये है वहां के कुछ 3 बच्चे ऐसे हैं जो जिनके रैगिंग का शिकार ये बना, जिस वजह से इसके अंकल का या इनके रिश्तेदारों का कहना था कि इस बच्चे का जो ईयर है यानी कि कान, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है. इस मसले में फर्दर जो ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा है, इसकी फैमिली उन 3 रैगर्स, जिन 3 बच्चों ने इस बच्चे की रैगिंग की है, उन तीनों के अगेंस्ट FIR दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी हरकतें अभी इस एज में ही इस तरह की है कि जो उनके फेलो फ्रेंड्स हैं या फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से, या फेलो स्कूलमेट्स हैं उन्हें इस तरह से डैमेज पहुंचा सकते हैं, तो आने वाले समय में वो किस तरह का एक शेप ले सकती है उनकी पर्सनैलिटी. तो इस समय एक सबक के तौर पर उनके अगेंस्ट FIR दर्ज करवाना चाहिए. ये उस जो विक्टिम है उस बच्चे के फैमिली की एक डिमांड है. अब अगर इस मसले को हम एक और पहलू से देखें तो जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो वो स्कूल मैनेजमेंट की निगरानी में होते हैं, और किस तरह से यहाँ ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की रैगिंग को अंजाम दिया गया. क्या मैनेजमेंट या जो स्कूल टीचर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, क्या जो इनका पूरा एक तरीके का सिस्टम इन्होंने जो सेट करके रखा है उसमें क्या ऐसे लूपहोल्स थे कि इस तरह की रैगिंग को अंजाम दिया जा सकता था. अब यहाँ एक और बात ये भी उठती है कि जिन 3 लड़कों ने रैगिंग को अंजाम दिया, जैसे कि विक्टिम की फैमिली FIR की मांग कर रही है, FIR दर्ज करवाने की मांग कर रही है, तो अब अगर इन 3 बच्चों के अगेंस्ट सपोज आप मान लीजिए कि अगर FIR दर्ज हो भी जाता है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इनके आने वाले फ्यूचर पे इससे किस तरीके का असर पड़ेगा. इसीलिए यहाँ हम बार बार लगातार इस तरह की खबरें आपके सामने लेकर आते हैं जिससे आपको इस चीज का अंदाजा हो कि हम बार बार यही कहते हैं कि समय कहाँ की ओर जा रहा है, और उसका एक अंदाजा आप तक जो है आपको लगना बहुत जरूरी है. आप ये सोचकर बेफिक्र ना हुए कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते. हमने आपको पीछे भी कई बारी खबरें इस तरह की बताई हैं जिसमें कई अलग अलग नेचर के इंसिडेंट्स बच्चों से जुड़े सामने आए, जिसमें जैसे कि जो बच्चे वेरीना घूमने गए थे वो स्मोक करते हुए या तंबाकू का इस्तेमाल करते हुए पाए गए, जिसके अगेंस्ट चीफ एजुकेशन ऑफिसर को स्टेप उठाना पड़ा. इसी तरीके का आज एक ये स्टेप भी देखने को मिला जहां इस तरह की रैगिंग, और वो भी स्कूल में, जो है इस तरह की खबर सामने आई है. तो यहाँ अब ये एक तो पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से अप्रोच करते हैं, यहाँ अब आज के जमाने में ये भी डिपेंड करता है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है वो अपना तरीका या अपना सिस्टम किस तरह से फॉर्म्युलेट करती है. अगर तो हम एज ओल्ड प्रैक्टिसेस के साथ चलते रहेंगे तो शायद जिस जमाने से या जिस स्पीड से ये जमाना बदल रहा है उसको हम कभी कैचअप नहीं कर पाएंगे. तो जिस स्पीड से जमाना बदल रहा है उसी स्पीड से स्कूल अथॉरिटीज या स्कूल मैनेजमेंट को भी अपने तरीके बदलने चाहिए, और पेरेंट्स को भी बच्चों को अप्रोच करने का तरीका बदलना चाहिए, सो दैट कि जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं ये सामने ना आए और जो बच्चों का ग्रोथ है वो होलिस्टिक हो, इस तरह से डिस्टर्ब ना हो जहां अभी इस मासूम सी उम्र में ही इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि एक तो बच्चे टोबैको की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ड्रग्स की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इस तरह की रैगिंग. जैसे अभी रैगिंग अगर हम कहें तो अभी इस पूरे सिनेरियो में शायद ये बहुत छोटा सा साउंड करे, पर कल को कोई पता नहीं ये किस तरीके का डायरेक्शन ले सकता है. तो इसको रोकने के लिए पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट को बहुत स्मार्टली काम करना होगा. तो फिलहाल दोस्तों हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही. हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू QNS TV एंड बाय बाय.